अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे फायर फाइटिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज के बारे में। इन पे बात करने से पहले हम इनके फर्क को समझ लेते हैं कि टूल किसे कहते हैं, इक्विपमेंट किसे कहते हैं और एक्सेसरी किसे कहते हैं। टूल वो होते हैं जिसमें इंसान की मैन पावर इस्तेमाल हो, यानी कि हैमर हो गया, बुलेट कटर हो गया, जिसको जिसमें इंसान की मैन पावर इस्तेमाल होती है। और इक्विपमेंट वो चीज होती है जिसमें मशीनरी वगैरह की पावर यूज हो, यानी कि फोम जनरेटर वगैरह। और एक्सेसरीज वो चीज होती है जो कि टूल और इक्विपमेंट को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम उसके साथ अटैच करते हैं, जैसे कि कपलिंग वगैरह हो गई। तो टूल, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है और आगे हर कैटेगरी की फर्दर 5 इसमें टूल आते हैं, 5 इसमें, 5 इसमें और इन सब में 5। और टोटल जो फायर फाइटिंग में टूल, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज यूज होती हैं वो टोटल मिला के बन जाएंगी 25। आज हम इन 25 के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं फोर्सेबल एंट्री टूल्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है फायरमैन एक्स, ये विंडो वगैरह, डोर वगैरह को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाता है बोल्ट कटर, ये भी लॉक वगैरह को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। स्लेज हैमर कंक्रीट वगैरह को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। क्रो बार जो होती है, ये लोहे की एक बार होती है जो कि एज ए लीवर का काम करती है, इससे चीजें उठाई जाती हैं। और फायरमैन हुक, इसका जो हैंडल होता है वो और लकड़ी का बना होता है, ये भी 4-5 फुट की लंबी बार होती है, आगे हुक बनी होती है। और ये जो चीजें होती हैं, गर्म चीज या कोई भी चीज ऐसी जो फायर फाइटर की पहुंच से दूर हो उसको पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आ जाती हैं ब्रांचेज, नोजल और ब्रीचेज, ये वो टूल्स होते हैं जो फायर फाइटिंग के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें आ जाती है जेट नोजल, ये जो होती है नोजल, ये जेट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि पानी को दूर फेंकने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरे नंबर पे है मल्टीपर्पज नोजल, ये जेट भी बनाती है और शावरिंग भी करती है। उसके बाद आ जाता है फोम मेकिंग ब्रांच पाइप, जिसको हम FMBP भी कहते हैं। ये जो होती है ये फोम बनाती है, ये एयर, पानी और फोम को मिक्स करके इसकी शावरिंग करती है। उसके बाद आ जाता है डिवाइडिंग ब्रीच, डिवाइडिंग ब्रीच जो होती है इसका जो होता है ये इनलेट एक होता है और आगे आउटलेट दो होते हैं, यानी कि एक जो गाड़ी है उससे फायर होज निकलेगा, आगे दो आदमी जो दो फायर फाइटर होंगे वो जो है वो फायर फाइटिंग करेंगे। और उसके बाद आता है कलेक्टिंग ब्रिज, इसमें जो होता है जो इनलेट दो होते हैं और आगे फायर फाइटिंग करने वाला बंदा एक ही होता है, यानी कि दो गाड़ियों के होज आपस में लगे होते हैं और आगे फायर फाइटिंग एक बंदा करता है। तीसरे नंबर पे है सेक्शन TEA, यानी कि टूल, इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज, ये वो सारे टूल्स होते हैं जो सेक्शनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेक्शनिंग मतलब गाड़ी को फिल अप करने के लिए, गाड़ी में पानी भरने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें सेक्शनिंग होज इस्तेमाल किया जाता है जो कि हार्ड होता है और पानी को सक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन रैंच, ये जो होता है सेक्शन होज को गाड़ी के साथ अटैच करने के लिए रैंच का इस्तेमाल किया जाता है, उसको सेक्शन रैंच कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्शन स्ट्रेनर, ये जो सेक्शन होज के आगे लगाया जाता है जाके मट्टी, कचरा, कोई पत्थर वगैरह गाड़ी के अंदर ना जाए ड्यूरिंग सेक्शनिंग। और उसके बाद आती है डिलीवरी होज, ये जो डिलीवरी होज होता है इसके आगे नोजल वगैरह लगाई जाती है, जिसे हम फायर फाइटिंग करते हैं उस पाइप को हम डिलीवरी होज कहते हैं। उसके बाद आ जाती है रोप्स, रोप्स जो होती है ये सारी चीजों को आपस में बांधने के लिए, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये भी इसी सेक्शनिंग वाले खाने में पड़ी होती है। चौथे नंबर पे आ जाता है PPE, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो टूल जो हम फायर फाइटिंग के दौरान अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं उसको PPE कहते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है टर्न आउट गेयर, वो लिबास जो हम फायर फाइटिंग के दौरान पहनते हैं, सेफ्टी हेलमेट सर की सेफ्टी के लिए पहनते हैं, ग्लव्स हाथों की सेफ्टी के लिए पहनते हैं, शूज पाँव की सेफ्टी के लिए पहनते हैं, और सेफ्टी हुड हमारे चेहरे और गर्दन वगैरह पे कोई शोला वगैरह ना गिरे उसके लिए हम सेफ्टी हुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है अदर्स टूल्स, अदर टूल्स में आ जाती है टेलीस्कोपिक लैडर, ये एक छोटी सी लैडर होती है लेकिन इमरजेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल करते हुए एक्सटेंड कर लिया जाता है और ये बड़ी हो जाती है, इसको टेलीस्कोपिक लैडर कहते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, अगर फायर इनिशियल स्टेज पे है तो उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसी भी है, इसको फायर फाइटिंग के दौरान सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना दी है, उसमें एसीबी का टाइम ड्यूरेशन फार्मूला, एसीबी की वर्किंग, एसीबी के पार्ट्स वगैरह सभी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं वॉकी टाकी, यानी कि हमारा वायरलेस सेट जो कि फायर फाइटिंग के दौरान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आ जाता है शावल, यानी कि बेलचा वगैरह जो भी मिट्टी वगैरह उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।